आप इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से? लाइक आई ऑल्सो डू वर्कआउट, बट एक दिन वर्कआउट करके इट्स लाइक हाँ माय डे इज प्रोडक्टिव, बट देन आई जस्ट पॉज फॉर द सेकंड. ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप वर्कआउट क्यों कर रहे हो, राइट? क्या गोल है आपके, राइट? तो मेरे पास जब कोई आता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद सम पीपल एंड आई आस्क देम, सर व्हाई डू यू वांट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम मी, एंड माइंड यू आई एम नॉट चीप, राइट? सो व्हेन समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं सबसे पहले बोल देता हूँ भाई मेरा फीस इतना है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उठ के चले जाओ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड मी. But even if they're still sitting there and if they're still talking to me and if they, I ask them, what is your fitness goal? And if they just give me like an answer, I just want to be fit. You know, corona ho raha hai, ye ho raha hai, mere ko na fit hona hai. Mere ko corona hoga to kuch hona nahi chahiye. Sir, ye aapka goal hai. Achha, itna bekar goal. Kuch, aray aap bolo na ki aapko Hrithik Roshan banna hai. Aray aap bolo na, if you're a lady, then tell me no, you want to be Katrina Kaif. There is absolutely nothing wrong. Believe me, when I first started training, I would look at my dad. Maine inspiration bada Arnold se liya, you know, Sylvester Stallone se liya, Rock se liya. Maine in sabse inspiration dher sara liya. Lekin main socha yaar, tu hai to tu Bengali Brahmin hai. To tu ghar baitha hai, right? Na tere andar waisi genetics hai, na tere paas waisa equipment hai, right? But yes. Like, you know, we were talking today earlier in the call also when we were chatting about this IG Live today. And I was telling you ki, I never set those goals, right? Mere ko bas karne mein maza hai. Lekin most people are not like me. And of course, jo meri physique aa gayi. Maine 2-3 competition bhi khel liya. And I would sometimes see those pictures and be like, wow, I did that. I achieved that. But I truly love training. You know, I like being in a gym. I like pushing myself. I love enjoying that pain. But it's not everyone's cup of tea and सबके लिए वो होता नहीं है, right? तो आपका goal क्या है? Goal बनाओ, right? तो मेरे पास मेरे एक ऐसे client आए थे 5 साल पहले. वो 5 साल से मेरे से training ले रहे हैं, by the way. और जब 5 साल पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि उनको बस 3 महीने training करनी है. वो कोसामुई जा रहे थे, बोल रहे थे मेरा birthday है, मुझे birthday के लिए मस्त fit लगना है सारे दोस्तों के लिए. मैंने कहा ठीक है सर. 3 महीने उनकी training हो गई. उन्होंने फिर मुझे बोला थैंक यू वेरी मच अरुण. मैंने कहा ठीक है सर. एक हफ्ते बाद फोन कर रहे हैं, बोल रहे आई एम फीलिंग वेरी लो, मेरा ना मूड खराब रहता है, आई थिंक आई वॉन्ट टू कंटिन्यू ट्रेनिंग. मैंने कहा ठीक है सर. तो फिर से मुझे बुलाया, मैं फिर से गया, देन अगेन वी स्टार्टेड इस ट्रेनिंग. बट मैंने बोला सर अब आपको क्या करना है? बोले नहीं मेरा बर्थडे तो अभी अगले साल है. मैंने कहा अच्छा, तो अगले साल तक तो आप क्या ट्रेनिंग करोगे? बोले नहीं यार, मुझे कुछ शॉर्ट टर्म बता. तो मैंने उस वक्त उनको सर को बोला कि आप एक काम करो, आपको ट्रेकिंग पसंद है? बोले कहा हाँ. तो मैंने कहा सर एक ट्रेकिंग पे चलते हैं. तो हम लोग एक छोटा सा हिल स्टेशन में ट्रेकिंग करने गए एंड बहुत जल्दी वो हाफ गए. ही लॉस्ट हिज स्टैमिना वेरी क्विकली. सो देन आई टोल्ड हिम कि सर आपकी तो स्टैमिना बड़ी बकवास है. आई एम वेरी ब्लड विद माय फ्रेंड्स बाय द वे. ही इज जस्ट स्टेयरिंग एट मी लाइक हाँ यार, मैं पता ना स्कूल में ये था वो था. ही स्टार्टेड इन सम फ्लो, मैं एथलेटिक्स करता था ये वो. तो वापस आए, उन्होंने खुद ही आके अगले साल बोला अरुण मतलब दुनिया में ऐसे कुछ वैसे डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर, साउथ अफ्रीका में यू हैव किलिमंजारो, दैट्स अ वेरी टफ ट्रैक. तो मुझे अगले साल किलिमंजारो जाना है, मुझे उसके लिए तू तैयार कर. मेरे साथ जो उस दिन मैं जो नीलगिरी हिल्स में ठीक से नहीं चढ़ पाया, मैं किलिमंजारो अगले साल चढ़ूंगा. मैंने कहा ठीक है सर. एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम फॉर दैट. सो द थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ गोल, समथिंग इनसाइड हैज टू पुट दैट फायर, राइट? Yes. You won't believe it, when I was at one point of time having a corporate job. I mean, this is slightly a different topic. This is just my motivation towards my career. When I was doing something as a corporate job, jahan pe mujhe sirf salary milti thi, and no insult to people who have jobs, you know, I'm you know, all respect to you guys for what you do. But I didn't have that inspiration. Mujhe subah 8 baje uthne mein bhi mushkil hoti hai. Aur log, you know, yes, he finally did climb Kilimanjaro. He did go, he struggled, but he did it. And that was a huge commendment for somebody, a very commendable thing for somebody who was struggling. So, you know, I used to be somebody who used to even struggle to wake up at 8 o'clock. And for me nowadays, to get up and that excitement to wake up and train somebody, right, is so much ki main 5, 5:30, 4 jata. Before COVID, my day used to start at 5 o'clock, so I would wake up at 4, 4:30. So I realized, like, there is nothing wrong with me. I found my calling and I went towards it. And similarly,
as far as somebody's motivation to train is concerned, you have to ask yourself, why are you going to do this? Very simple human nature. अगर आप किसी चीज में, मान लो आपको मैंने बताया कि आपको ये काम करना है, राइट, वो काम के अगर आपको ठीक मतलब ढंग के पैसे नहीं मिलेंगे तो आप क्यों करोगे वो काम, राइट? कभी ना कभी तो आपको आके वही बात चुभेगी कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूं, मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट? सिमिलरली देर हैज टू बी एन इंसेंटिव. नहीं, आप अगर ट्रेन करेंगी तो आप बड़ी फिट होंगी, आप हेल्दी होंगी, आपको बीमारी नहीं होगी. अरे छोड़ो यार ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे कैटरीना कैफ दिखना है, मुझे ऋतिक रोशन दिखना है, मुझे इनके जैसे, मेरे को इनकी जैसी बॉडी बना के दे सकते हो? बोलो अगर हाँ तो फिर कुछ काम करते हैं, एंड तभी वो मोटिवेशन आएगा. आई लव इट व्हेन अ क्लाइंट कम्स एंड टेल्स मी मुझे शिल्पा शेट्टी जैसे बनना है. अरे आओ मैडम, कोशिश तो करते हैं, बिकॉज फिर उनको मैं ना उस हिसाब से पुश कर सकता हूँ. बट इफ समबडी कम्स विद वेरी मीडियोकर गोल्स, यू कांट. एंड सी, एवरीबडी नोज द रियलिटी कि ऑब्वियसली whether it's certain celebrities and you know page 3 stars or instagram stars, we know for a fact that bahut log bahut sare cosmetic procedures bahut kuch karate hain, because of which obviously they look very enhanced, right? But it is still possible. I give my example of cristiano ronaldo to a lot of people. You know cristiano ronaldo ke aap jab usne career shuruaat ki thi, aap usko dekho, usko uska wo photo dekh ke koi bolega are isko khana khila do. And wahi banda, but of course he is a huge, you know, hugely talented footballer. And look at him today, he's ripped, he's muscular, he's still a very good footballer, but he has built his physique accordingly also. But in his case, it was the passion for football, jiske liye unhone training kiya, matlab bahut sara workout kiya, diet follow kiya, and of course, as a result, he looks that good, right? So similarly, you know, you have to find something that is going to drive you to go to the gym, to work out every single day, to follow a diet, to make sure you sleep 6-7 hours, to make sure that you don't pick up that drink on the weekends. By the way, I'm sure a lot of people will tell me that Harsh is saying, 6 months I did my gym, best days, I miss those days. Why are you not going to the gym now, Harsh? Ghar pe gym bana lo. So, exactly. So, end of the day, you have to introspect ki mujhe kiske jaise banna hai. If it is just for fitness, just to be slim, just to be fit, it is going, that motivation will burn out very quickly.